हम इस वक्त राम मंदिर के प्रांगण के बाहर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या की वो शख्सियत जो अपने आप में धर्म से, सनातन से या अयोध्या के महत्वपूर्ण किरदारों में गिने जाते हैं, वो तमाम लोग हमारे साथ हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या को लेकर के खूब लड़ाई हुई, बांटने की कोशिश हुई, लेकिन अयोध्या ने जो संकेत दिया वो यहाँ पर दियों और रोशनी से जगमगाया हुआ, नहाता हुआ सबको दिखता है। ये अयोध्या नगरी है, अयोध्या नगरी में जो कुछ भी होता है सब अच्छा ही होता है, क्योंकि ये धर्म की नगरी है। यहाँ धर्म की आस्था है, हिंदू और मुस्लिम का भाईचारे की आस्था है लोगों में, और जब भी यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं तो कहीं कोई भेदभाव नहीं, सभी हिंदू और मुसलमान एक साथ में त्यौहार को मनाते हैं। आज ये देखिए, ये साधु संत भी हैं, गृहस्थ भी हैं, सभी लोग जो है त्यौहार को मना रहे हैं, सभी लोग को आज जो है खुशी है। और अयोध्या का जो त्यौहार मनाया जाता है, आज दीपोत्सव का दिन है और पूरी अयोध्या ये जो है सजी हुई है, लोग जो है यहाँ खुशियों का आनंद ले रहे हैं। अब इससे अच्छी बात कौन सी हो सकती है, ये जो है सरकार की देन है कि दिवाली जो मनाई जा रही है और पूरी अयोध्या सजी हुई है और हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा भी है, सभी चीज यहाँ जो है मौजूद है। कहा जाता है कि भगवान जब अयोध्या आए थे तब अब त्रेता युग की वही झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस बार की दिवाली कितनी खास है, वो झलक त्रेता युग वाली कितनी आप देख पा रहे हैं आज? निश्चित रूप से इस बार का दीपोत्सव जो है 500 खूनी संघर्षों के वर्षों के बाद, 10 लाख राम भक्तों, कार सेवकों, साधु संतों के बलिदानों के बाद जब भगवान टेंट से ठाट में विराजमान हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से यह दीपावली जो है भव्य है, दिव्य है, ऐतिहासिक है और अहम है। निश्चित रूप से माननीय सरस्वती मुख्यमंत्री जी ने पूर्ववर्ती सरकारों में जो अयोध्या उपेक्षित रहा करता था, अयोध्या के नाम से लोग कतराते थे, आज जन सैलाब अयोध्या में उमड़ आया है। माननीय सरस्वती मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या को सजाया है, सवारा है। राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष वनवास के बाद, रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद, विजयोत्सव के बाद दीपोत्सव भव्यता नजारा आप चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं दर्शकों को। जिस प्रकार से राघवेंद्र सरकार अयोध्या के आगमन होते ही अयोध्या के नर नारियों ने, अयोध्या वासियों ने अयोध्या को जगह जगह सजाया है, बंधनवार है, दीप की मालिकाएं हैं, स्वर्ण कलश है, इत्यादि मांगलिक रंगोलियां हैं, स्वस्तिक हैं। उसी प्रकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने त्रेताकालीन अयोध्या को कलयुग में प्रकट कर दिया है, अयोध्या को सजाया है, सवारा है, अनोखी अयोध्या को बनाया है, यह अकल्पनीय अविस्मरणीय अयोध्या है। सोचा था आपने कभी ऐसा दिन भी आएगा कि अयोध्या को हम इस रूप में देखेंगे? कभी नहीं, भूतों ने भविष्य ऐसा न कभी कोई सोचा था जो यशस्वी मुख्यमंत्री ने कर दिए हैं। यशो कृति सजीवती, व्यक्ति का यश और कृति ही जीवित रहता है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की यश और कृति स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा, ऐसा न कोई हुआ था न ऐसा कोई होगा। सर, सबसे बड़ी बात यह कि राम मंदिर की बात होती है, भगवान राम पधार चुके हैं और सबसे बस इस बात की बात है जो लोग घर में रहते हैं और दिवाली का त्योहार मना रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, निज का मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज हम जिस भूमि पर खड़े हैं वहाँ प्रभु श्री राम लला विराजमान है, जिसके लिए 500 वर्षों की एक लंबा संघर्ष चला। आप देखिएगा तो 400 वर्ष गुलाम भारत और स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमने 70 वर्ष तारीख पर तारीख पाई और निरंतर आस्था पर चोट खाया, लेकिन हम साधुवाद देते हैं 100 करोड़ हिंदुओं को कि उन्होंने अपने नेतृत्व का चुनाव किया और राम के उस अमोघ बाण को ओट रूपी धनुष पर उस तरीके से तंकार के साथ उसको ताना और उसको ऐसे रावण के नाभि पर मारा कि वो सारी राक्षस प्रवृत्ति को दहन कर दिया और प्रभु श्री राम भव्य रूप से राम जन्मभूमि में विराजमान हो। बोलेंगे सब प्यार से श्री राम। ये इस नाम में बहुत शक्ति है मैडम, शब्दों में शक्ति होती है लेकिन जय श्री राम का नाम जब लिया जाता है तो मन पूरी तरह से भावना से ओतप्रोत हो जाता है। जी बिल्कुल, मैं आप सभी को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और राम से ही शुरू करती हूँ कि वो जिनका नाम लेकर हम सभी के काम बनते हैं, वो जिनका नाम लेकर हम सभी के काम बनते हैं, वो जिनका नाम लेकर रोज सबके नैन खुलते हैं, वो जिनका रूप बसता है हमारी आत्माओं में, वो जिनका रूप बसता है हमारी आत्माओं में, अयोध्या धाम है उनका, यहाँ प्रभु राम बसते हैं। क्या बात है, दिलों में प्रभु श्री राम बसते हैं।
मन में बसाया है, दिल में भी बसाया है, प्रभु श्री राम का बुलावा आया है तो हम भी खिंचे चले आए प्रभु श्री राम की नगरी में। सबसे बड़ी बात इस जगह का जो आत्मिक लगाव है कि हर कोई यहाँ खिंचा चला आता है। दीपोत्सव का मौका, रोशनी से पूरा अयोध्या धाम सजा हुआ है, क्या कहेंगे आप? मैं जगत गुरु कर्पात्री महाराज श्रीधाम अयोध्या, आज का ये वातावरण देख करके त्रेता युग की याद आ रही है। आज याद आवे त्रेता युग की कहानियां, झूम झूम नाच रही सरजू बहिनिया, झूम झूम नाच रही सरजू बहिनिया, राजा भी नाचे प्रजा भी नाचे, राजा भी नाचे प्रजा भी नाचे, नाच रही सब रनिया झूम झूम नाचे, सरजू बहिनिया झूम ठुमुक चलत रामचंद्र, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, झुमक झुमक नाच रही सरजू बहिनिया। ये आज का जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं, भूतो न भविष्यतो, आपके पत्रा आपके पत्रकार संघ में अभी अध्यक्ष बनाया गया हूँ अखिल भारत का। अभी असम गुवाहाटी में एक सम्मेलन था, वहाँ के आप जैसे चंद लोगों ने मुझसे पूछा, कर्पात्री जी ये 500 साल तक 4.5 लाख लोगों ने शहादत दिया है, क्या राम के पास वो सामर्थ्य नहीं था कि अपनी जन्मभूमि जा सकते थे? आप बताने कष्ट करें, आप अयोध्या संत आए हैं, क्या आपके राम इतने निर्मल है वहाँ नहीं जा सकते थे? हमने कहा ये प्रश्न राम से मैंने पूछा था कि सरकार 500 साल तक झोपड़ी में बैठकर घर में क्यों नहीं जा रहे हो? राम ने कहा मैं चला जाता, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मुझको गोदी में लेने के लिए जब कोई संत मिलता तो मैं जाता, तो जोगी बोदी जैसा संत जब मुझे मिला तब मैं गोदी में बैठकर के हंस गया। तो निश्चित तौर से ये आज जो आप चकाचौंध देख रहे हैं ना, निश्चित तौर से ये किसी का नहीं है, ये उन कार सेवकों की शहादत का बदला है जिन लोगों ने खून बहाया है, उनका रक्त थे रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलकती मांग है अभी अबागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुए शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। आज भगवान राम भी ऊपर बैठ करके दशरथ माँ कौशल्या के कई सुमित्रा के साथ चारों भाइयों के साथ वहाँ से हम लोगों को आशीर्वचन दे करके रो रहे होंगे। ये मानस का प्रमाण है कि जब जब राम अवध सुधि करही और तब तब बारी बिलोचन बाई। त्रेता युग की बात होती है, त्रेता युग की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो तमाम टीवी जगहों चैनलों पर या तमाम जगहों पर तमाम जगह सोशल मीडिया पर जो त्रेता युग के बारे में सुना है, आज अयोध्या हम साक्षात रूप में अपनी आंखों से उसी रूप में देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं राम भक्त बबलू खान अयोध्या, क्या बात है, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पवित्र नगरी से देश के 140 करोड़ वासियों को आज की ये त्रेता युग की दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। मैंने तो बचपन से ही सुना था कि प्रभु रामलला टेंट में है, और जैसे ही मैंने होश संभाला तो रामलला के लिए हम रोड पर उतर आए, और आज प्रभु श्री रामलला हमारे महल में है, और आज की दिवाली ये त्रेता युग की दिवाली है, और इस कलयुग में जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक रामलला के बजरंग बली के रूप में आए हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस दिवाली की मैं बधाई देता हूं, और मैं कहना चाहता हूं ये दिवाली ये सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, ये प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष वनवास काट कर आए थे तो जितने भी हिंदुस्तानी हैं हम सब राम के वंशज हैं, राम हमारे इमाम हिंद हैं, क्या बात है, सब पाली हम सभी की है, हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैडम राम सबके हैं, राम किसी एक के नहीं है, राम को किसी में मत बांटो, राम सबके हैं, फिर भी मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी उनके लिए जो अभी भी राम को नहीं समझ पा रहे हैं।
कि राम ही धर्म है, राम ही कर्म है। क्या बात है, राम ही धर्म है, राम ही कर्म ही धर्म है, राम ही कर्म है, राम शीतल भी है, राम भी गर्म है, राम शीतल भी है, राम भी गर्म है, राम के रंग में तुम भी रंग जाओ अब, गर नजर में तुम्हारी जरा शर्म है। उनसे कहना चाहती हूँ जो राम को अभी तक अपना नहीं पा रहे हैं, बहुत धन्यवाद। राम को समझना, राम को समझना, प्रभु श्री राम को समझना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को समझना अब तस्वीरों के जरिए इतना आसान हो गया है कि आज जो हम अलौकिक दृश्य अपने चारों ओर देख रहे हैं, ये अयोध्या, त्रेता युग की अयोध्या आज अपनी आंखों में कितनी बदली हुई आपको लगती है, वही तस्वीर आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से अयोध्या में जैसे रामलला का प्राकट्य हुआ है, एक अद्भुत नजारा अयोध्या में दिख रहा है। अयोध्या तो सनातन नगरी है और विश्व प्रसिद्ध नगरी है, इस पहले से ही ये शाश्वत नगरी है अयोध्या, लेकिन इस अयोध्या का जो एक नया स्वरूप बिखरा है, जो निखरा है, पूरी दुनिया आज इसको देखकर अचंभित है और हम सब अयोध्यावासी आह्लादित हैं। निश्चित रूप से ये सब रामलला की ही कृपा है और राम जी का ही आशीर्वाद। क्या बोलेंगे सब एक बार, सियारा। देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये, प्राकट्य उत्सव में तस्वीरें देखी थी और अब दीपोत्सव में देख रहे हैं, क्या लगता है आपको प्राकट्य उत्सव से दीपोत्सव और उसके बाद त्रेता युग की जो तस्वीर है, आप अपने आप को कितना भव्य मानते हैं कि आप एक अयोध्यावासी हैं? देखिए, अयोध्यावासी बिल्कुल ये खुशी से आह्लादित है। जब भगवान राम त्रेता में जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे तो सभी धर्म सभी वर्ग के लोग यहाँ पर पलक पावड़े बिछाए हुए थे यहाँ उनके स्वागत के लिए। वह किसी मजहब और पंथ की बात नहीं थी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, जैनी हो, सभी धर्म के अनुयायी हुआ थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर देखिए इकबाल अंसारी जी और इधर बबलू खान जी, इधर संत महंत लोग जो है रामलला के दरबार में यहाँ खड़े हैं, उनके दरवाजे पर हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ किसी भी तरह के कुछ ही भेदभाव नहीं है और यहाँ बड़े हर्ष और उल्लास से दिवाली का त्योहार दीपोत्सव मनाया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने अयोध्या को सजाया, सवारा पूरा दुल्हन के जैसे सजा दिया अयोध्या को। और अयोध्या आप देखेंगे पहले खंडहर के रूप में दिखाई देता है, आज महलों के रूप में अयोध्या। क्या बात है, भजन भजन भगवान श्री राम के लिए, कौन सा भजन, भगवान भगवान अपने महल में विराजे हुए हैं और दीपोत्सव हो रहा है। सबसे पहले मैं पंडित सतीश चंद शास्त्री आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को दीपोत्सव और दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस रघुनाथ जी के द्वार पर हम लोग विराजमान हैं, रघुनाथ जी एक मर्यादा हैं, रघुनाथ जी एक संघर्ष हैं, रघुनाथ जी एक तपस्या हैं और उसी तपस्या संघर्ष को हम लोगों ने अपने हृदय में धारण करते हुए यह संघर्ष की लड़ाई लड़ी कि जिससे आज ये त्रेता युग जैसा पुनः दीपोत्सव मनाया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार मैं कहना चाहूंगा कि जैसे राम जी के इस द्वार पर दीपोत्सव पूरे अयोध्या में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, ऐसे अब कृष्ण जन्माष्टमी को मथुरा में, वहां पर भी दीपोत्सव मनाया जाए। और जैसे हमारे बबलू खान भैया जी ने कहा, तो वर्तमान में एक ऐसी स्थिति है कि बबलू खान भैया जैसे पता नहीं कितने राम के भक्त, राम के वंशज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश में विराजमान है। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि अगर हम सब लोग भारतवासी एक हो गए, सनातनी एक हो गए, तो संपूर्ण विश्व के सनातनी एक हो जाएंगे। और जिस दिन संपूर्ण विश्व के सनातनी राम भक्त एक हो गए तो बांग्लादेश भी अपना होगा, अफगानिस्तान भी अपना होगा, कजाकिस्तान भी अपना होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहेंगे आप, दीपोत्सव का मौका है, क्या कहेंगे अयोध्यावासी, कितने प्रफुल्लित हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि दीपोत्सव में शामिल होने के लिए, कब्ज करने के लिए आए हैं। सीता नाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। ये राम राज की दिवाली है और अब की अयोध्या और पहले की भी अयोध्या याद आ रही है।
कि इसी अयोध्या में खून की नदियां बहती थी और आज अयोध्या राम राज है, एकदम दिव्य जगमग जगमग हो रहा है। इसी राम मंदिर में जब मैं दर्शन करने आता था नंगे पांव, तो मेरे प्रभु राम तीनों लोक के मालिक एक साधारण टेंट में रहते थे। मेरे आंखों में आंसू आ गया, मैंने संकल्प कर लिया कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक मैं चरणों में चरम पादुका भी नहीं धारण करूंगा। और आज मुझे याद आ रहा है कि हे योगी जी और हे मोदी जी, एक आप वास्तव में महात्मा है, संत है और महापुरुष है। आप लोगों के ही माध्यम से आज अयोध्या में दिवाली भी हो रहा है। ऐसा कभी मुख्यमंत्री ना भूतो ना भविष्यति, मैंने ऐसा मुख्यमंत्री अपने जीवन में नहीं देखा कि जो अयोध्या में दिवाली कराए। अयोध्या में दिवाली कराने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे और कोई ना रहा, और उत्तर प्रदेश के उत्तम बनाने वाले और योगी जैसा मुख्यमंत्री हर प्रांत में। बड़ी प्रतिज्ञा, क्या लगता है बड़ी प्रतिज्ञा थी तब जाकर के सपना साकार हुआ जो अपनी आंखों से हम देख रहे हैं अयोध्या में। जी बिल्कुल, बरसों बाद प्रभु राम लला पधारे हैं और जो आज अयोध्या शोभायमान हो रही है, ये चमक ये दमक फूल बन मा महक, ये चमक ये दमक फूल बन मा महक, सब कुछ सरकार तुम से। तो ये सब चमक दमक जो आज है ना, और जो आज दीपोत्सव भारत मना रहा है ना, वास्तव में आज श्री राम लला के नेतृत्व में मना रहा है। आज इसकी शोभा किसी सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व में नहीं है, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम लला के नेतृत्व में है। अद्वितीय है, अद्भुत है, अप्रतिम छवि, अलौकिक है। और भगवान श्री राम का नाम जब भी जुबान से निकलता है तो ऐसा लगता है कि ऐसी शक्ति अपने आप में हम सबको बांधे हुए है, समेटे हुए है, कि उसको व्यक्त करना इतना आसान नहीं है शब्दों में। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि वो त्रेता युग में जो हुआ, बहुत सारे लोग हमें दर्शक टीवी पे देख रहे हैं, त्रेता युग को समझना चाहते हैं, जब भगवान राम आए थे और उनका स्वागत हुआ था तब क्या हुआ था और आज जो हुआ है उसका वर्णन। देखिए, अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विश्रुतः मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। ये विश्व के जो है आदि पुरी है और विश्व का प्रथम पुरी है। इसको मनु महाराज जी ने अपने तप तपस्या के फलीभूत बसाया है, रसाया। वही त्रेताकालीन अयोध्या को जिस प्रकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कलयुग में भी जो है उस विकास का जो परचम लहराया है, अयोध्या को दीपोत्सव के माध्यम से विश्व के जो है गिनीज बुक वर्ल्ड में जो अपने नाम अंकित करने का काम किया है, इसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और सराहनीय काम करने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों में अयोध्या उपेक्षित रहा करता, आज अयोध्या में भव्य दिव्य ऐतिहासिक दीपोत्सव है और विपक्षियों के यहाँ दिवाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो विपक्षी तुष्टिकरण की घिनौनी राजनीति करता था, अयोध्या में जय श्री राम बोलने पर जेल भेज दिए जाते थे, अयोध्या की 84 कोस परिक्रमा करने वाले को जेल भेज दिए जाते थे, आज वही अयोध्या अमन चैन पूरे जन्म। क्या भजन सुनाएंगे आप दर्शकों के लिए, कौन सा भजन सुनाएंगे? राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सोका। अयोध्या जो है सज गई है, धज गई है, वेदों में पुराणों उपनिषदों में बहुत वर्णन है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध समान नहीं प्रिय सो यह प्रसंग जाने को जामन जनते बिनही प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे, अब प्रभु कृपा करहू यही भांति सब तजी भजन करहू दिन राति। सब चीज को त्याग करके भगवान का ही ये दीपोत्सव है, विजयोत्सव के बाद ये दीपोत्सव है, इसमें आनंद है, संपूर्ण जनमानस के अंदर उल्लास है, आनंद है, उमंग है। क्या कहेंगे आप, अयोध्या जगमगा रही है, रोशनी से नहाई हुई है। ये अयोध्या का सपना जो आपके पहले के लोगों ने, पूर्वजों ने जो सपना संजोया था, वो आज सब साकार होते हुए देख पा रहे हैं। अयोध्या नगरी है, यह हमेशा त्योहारों के माध्यम से लोग यहाँ त्योहार में लोग आते हैं, मेले में आते हैं, धर्म की नगरी है और हमेशा यहाँ जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। यहाँ धर्म के आधार पे कोई जो है सभी लोग एक साथ में रहते हैं और यही होना भी चाहिए। भगवान राम वो सभी के लिए हैं, भगवान राम का किसी से बैर नहीं था, अगर जिससे बैर भी रहा तो रामों से रहा। और हमेशा जो है आज भी
चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका भाईचारा है, राम सबके हैं और सभी के रहेंगे। दिवाली का पर्व है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी अयोध्या सजी हुई है, ये अच्छी बात है जो है, सजावट होना चाहिए। मुस्लिम परिवारों के घरों में भी इस बार दिए जल रहे हैं। देखिए लोग जलाते हैं जो है, दिवाली सभी मनाते हैं, दिवाली में कोई बैर नहीं है और त्योहार सभी लोग को मनाना चाहिए। हर त्योहार का यही मतलब है कि हिंदू और मुसलमान में त्योहारों में भाईचारा होनी चाहिए, सभी को एक साथ मिलकर त्योहार मनाना चाहिए, यही सबका मजहब है। सबको भजन कह रहे थे, ये जो राम जी हैं ये आदर्श हैं, और जो लोग राम जी का सिर्फ नाम लेते हैं और राम जी ने जो जीवन में किया, राम जी ने त्रेता युग में अवतार लेकर के कभी ये नहीं कहा कि हे मानु तू मेरी पूजा कर, उन्होंने यही संदेश दिया मानव जाति को कि जीवन में मैंने जो किया वही तुम भी करो। तो मेरा सबसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि राम का नाम केवल मुख से कहो, काम करते नहीं जो किए राम ने, राम माता पिता के बड़े भक्त थे, मानव अज्ञा निकल कर के बन को गए, भाई भाई में कितना बड़ा प्रेम था, भरत गद्दी पे बैठे नहीं एक दिन, आज दुख है कि भाई भाई लड़े, बोलो ऐसे कर्म कब किए राम ने। तो हम सब लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रघुनाथ जी के किए हुए कार्यों को हृदय में उतार करके अपने जीवन को क्या बात कही है, मर्यादा करुणा सदा दया सत्य, इन सब मार्गों पर चलकर भगवान श्री राम ने एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि वो हर किसी के मन में पूरी तरह से समाये हुए हैं। सर सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री राम की कोई भी भूमिका रही हो, चाहे एक भाई की भूमिका रही हो, चाहे मर्यादा करुणा दया सत्य का मार्ग हो जिस पर आज सबको चलने के लिए प्रेरित किया जाता है, अपनी एक अमिट छाप जो छोड़ी है वो कहीं ना कहीं हर भक्त को हर व्यक्ति को आज भी प्रेरित करती है। आज जो दिया जलाया जा रहा है ये राम ही ने दिया है, राम ही का दिया है, राम ही ने दिया है, राम ही का दिया है। और शायद आप कैमरा में कैद नहीं किए हैं, अभी कैद कहीं कर लीजिएगा, 4-6 माताएं जहां दीपक जला रही हैं, उनके पीछे एक नन्ना सा बालक माता के पीठ पे हाथ रखा हुआ है, जानते महसूस क्या हो रहा है, ये रामलला के स्वरूप हैं। कि अमित रूप प्रगट ते ही काला और जथा जोग मिल सबाही, दीप आज दीपावली के दिन हर घर में रामलला का दर्शन आप कर सकते हैं, इतना सुंदर सौंदर्य, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे राघव तो रघुआ, बड़ा नीक लागे हे, बड़ा नीक लागे हो, बड़ा नीक लागे राघव तो रघुआ, ओनहू से अच्छा लागे, क्या अच्छा लागे, ओनहू से अच्छा लागे जोगी मोदी तोर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव तोर गौआ, बड़ा नीक लागे। और भगवान श्री राम की भक्ति में हर कोई भाव विभोर है और अयोध्या में दीपावली का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे दिव्यता और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। तो अयोध्या से न्यूज 18 पर ये खास कवरेज थी जिसमें हमने अयोध्या की हर तस्वीर को आपके सामने रखा और किस तरीके से जय श्री राम के उद्घोष के साथ यहाँ पर हर कोई रोशनी से पूरी तरह से जगमगाया हुआ और अपने आप को भक्ति में डुबोया हुआ पा रहा है। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा। तो सीएम योगी के अयोध्या दौरे की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दीपोत्सव के मौके पर रामलला के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ मत्था टेकने के लिए पहुंचे हुए हैं, विधिवत वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को देख सकते हैं आप, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं वो, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के संस्कृत मंत्री जयवीर सिंह, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम सभी रामलला के दरबार में पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं और यहाँ से सरयू तट के लिए वो रवाना होंगे। इससे पहले रामकथा पार्क में
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या के सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। मैं सभी को आज के इस ऐतिहासिक दिन की बधाई देकर अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। पहले नारा लगता था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। मैंने कहा था कि धैर्य रखिए, प्रभु राम की कृपा जरूर बरसेगी। 5 अगस्त को पीएम मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला का काम किया, 5 अगस्त 2020 को, और आज 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान होकर संदेश दे रहे हैं कि अपने पद से विचलित मत होइए, संघर्ष करिए, सफलता जरूर मिलेगी। अयोध्या में 2017 से पहले बिजली नहीं मिलती थी, कुछ लोगों ने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे और वो सारे लोग आज प्रभु राम का गुणगान कर रहे हैं। वो जो सनातन संस्कृत पर सवाल खड़े किया करते थे, 2017 में आपने कहा था कि मंदिर का निर्माण करो, आज मंदिर का निर्माण हो गया है, आज अयोध्या चमक रही है, अयोध्या में विकास की एक शुरुआत हो गई है, आज काशी चमक रही है। मैंने 22 जनवरी को राम भक्तों की आंखों में खुशी के आंसू देखे। मैंने उन लोगों के काले कारनामों को देखा है जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को लहूलिहान किया था। माँ सीता की अग्नि परीक्षा भी बार बार नहीं होनी चाहिए। अयोध्या का बदला स्वरूप दुनिया को आकर्षित कर रहा है। ये तमाम बातें सीएम योगी ने कही हैं और अब राम मंदिर में उन्होंने विधिवत दिए जलाए हैं और आप सीएम योगी आदित्यनाथ को दीपोत्सव की शुरुआत करते हुए देख सकते हैं। प्रभु राम की नगरी में पहला दिया राम मंदिर में जलाया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों। साथ ही साथ बाकी भी वीआईपी मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी राम के दरबार में आकर दीपोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। पहला दिया प्रभु राम के दिव्य और भव्य मंदिर में जलाया गया है, इसके बाद समूची अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। हर घर दिए जलाए जाएंगे, अयोध्या के कोने कोने में दियों की रोशनी देखने को मिलेगी, सरयू तट दियों की रोशनी से जगमग हो उठेगा, राम की पैड़ी पर लाखों दिए क्रमबद्ध तरीके से रखे गए हैं वो जगमग हो उठेंगे, माँ सरयू की महाआरती होगी, क्योंकि बहुत खास मौका, बरसों बरस इंतज़ार किया गया इस खास क्षण के लिए जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हों और उनके आगमन के बाद पहला दीपोत्सव हो रहा हो तो बहुत खास हो जाना स्वाभाविक है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं दीपोत्सव की औपचारिक शुरुआत करते हुए सीएम योगी